सभी बच्चों का ग्रैंड अमर पब्लिक स्कूल माजरा डबस दिल्ली 81 की इस वीडियो में स्वागत है। दिस इज योर थर्ड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें डिजिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। डिजिट मीन्स संख्या। जो हमने लास्ट क्लास में हमने याद किया है उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। वी यूज 10 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 फॉर राइटिंग एनी नंबर। जो हमारी मोस्टली मैथ में होता है 0 to 9 हमारी डिजिट होती हैं और इन्हीं के ही ऊपर सारा मैथ डिपेंड होता है। तो हमारा एक लास्ट क्लास में टीचर ने यह भी बताया है कि हंड्रेड्स जो है 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि जीरो का मतलब सभी को मालूम है, लेफ्ट साइड में तब लिखा जाता है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, राइट साइड में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो सबसे छोटी, इसलिए हम जीरो को यूज़ करते हैं सबसे छोटी डिजिट के लिए। वन, इसलिए इसके आगे वन लगाते हैं और जितने भी आगे हमें डिजिट देनी होती है उसके आगे जीरो लगा देते हैं। तो ये देखो हंड्रेड में 100 इसलिए लगाई गई है ताकि ये 3 डिजिट बन जाए। ओके, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, हमारा 9 होता है। इसलिए जितनी भी डिजिट का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 2 का पूछे, 5 का पूछे, 6, 7, 8 जितनी भी डिजिट का पूछे तो हमें 9999 उतनी बार लिख दें तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाएगा। तो आपकी ये मैथ में आप सबके पास बुक है, आप बुक में देख सकते हो, ये आपकी रिवीजन एक्सरसाइज है, आपके क्वेश्चन है, 8 and 10 क्वेश्चन है और इसके आंसर नेक्स्ट इसी में ही दे रखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमें आंसर दे रखे हैं। तो आप उधर फर्स्ट स्लाइड में आपके क्वेश्चन थे, नेक्स्ट स्लाइड में आपके आंसर है, तो आप क्वेश्चन आपके सामने हो गए, आंसर आपके सामने हो गए, तो आप कर सकते हैं इसका मतलब ये सारी चीज़ें, है ना। मगर मैथ ऐसा नहीं है, मैथ को उसके लिए एक्सरसाइज इसलिए दी जाती है ताकि आप रिपीटेशन कर सकें, उसकी दोहरा सकें, इसको आप बार बार कर सकें, तभी आपको मैथ आपका सॉलिड बनेगा। तो अभी ये करना कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। नो स्टार्ट हमारी रिवीजन एक्सरसाइज, हमारी ये रिवीजन एक्सरसाइज शुरू होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमारा इसमें नंबर्स नेम लिखना है इसमें हमें, यानी जो हमें डिजिट दी हुई है उनके नेम लिखने हैं। जैसे हमने 1, 2, 3, 4 लिखना होता है तो ONE, TWO, इनको नेम बोलते हैं, नंबर्स के नेम। हमारा फर्स्ट है 521, तो इसमें 5 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। ये कैसे लिखना है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जो हमें मैडम ने हमें करवाया था वंस टेंस हंड्रेड, लास्ट क्लास में टीचर ने आपकी ने जो कराया था वंस टेंस हंड्रेड समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये करना है कि हंड्रेड कहाँ पर लगाना है। पीछे देखो सबसे लास्ट डिजिट राइट हैंड में 1 है, 1 क्या हो गया, वंस पे हो गया, 2 टेंस पे हो गया, 5 हंड्रेड पे हो गया। तो ये हमारा बन गया 521। तो 521 इसमें हम लिखेंगे, नंबर्स में लिखना है हमें। नेक्स्ट है हमारा बी, बी 432, तो इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे। जैसे हम मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 वंस पे हो गया, 3 टेंस पे हो गया, 4 हंड्रेड पे हो गया। तो ये भी 3 डिजिट की जितने भी है तो 400, 3
32। ओके नेक्स्ट हमारा है 790। 790, 790 हमारा क्या बन जाएगा 790। नेक्स्ट डी है जो हमारा 628, 3 डिजिट का हो गया। इसमें भी 1, 10, 100 करके देखेंगे तो 6 हमारा 100 पे आएगा, तो 6 के बाद इसलिए हम 100 लिखेंगे, 628। नेक्स्ट है 139 ही हमें नंबर्स में लिखना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, जो हमारे कलर की हुई डिजिट है उसकी वैल्यू बतानी है। कौन सी बतानी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जो हमारा 629 में हमारी जो कलर किस पे किया हुआ है, 6 पे किया हुआ है, तो 6 हमारी क्या है प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दो। 6 के बाद हमारी 2 और 9, 2 डिजिट है, डिजिट का ध्यान रखना है, नंबर का नहीं रखना। तो 2 डिजिट हैं तो 6 के बाद 20 लगा दो, 600 हो जाएगा। 600 आपके आंसर में दे रखा है और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी फेस वैल्यू हो जाएगी 6। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 800। 800 में 8 के बाद कितनी जीरो है, 20 है, तो 8 के बाद 20 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 200। हमें जीरो नहीं देखनी है, हमें नंबर्स नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ डिजिट देखनी है, जो कलर में दे रखा है उसके बाद डिजिट देखनी है कि कितनी डिजिट है। 8 के बाद 2 डिजिट है तो 20 हमने लगा दिए। ओके 800 हो गया, 8 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, और 800 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, 8 फेस वैल्यू हो गई। 347 में 4 हमारा बीच में है, तो 4 के बाद कितना है 7, 7 हमारा 1 डिजिट है, तो 4 के बाद 10 लगाएंगे, 40 हो गया, तो 40 हमारी प्लेस वैल्यू हो गई और 4 फेस वैल्यू हो गया 741। तो 1 हमारा 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें हमें, तो 1 के बाद कोई डिजिट तो है नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 इसमें प्लेस वैल्यू हो गई और फेस वैल्यू भी 1 है हमारा। 966 में हमारा 6 के बाद कितनी है, जो कलर किया हुआ है 6 के बाद कितने डिजिट है 1, तो 60 हो गया, 60 हमारा प्लेस वैल्यू हो गया और 6 हमारा क्या हो गया फेस वैल्यू। नेक्स्ट हमारा फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन एंड लेस देन। इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि ग्रेटर किस तरफ लगाएं, स्मॉलर किस तरफ लगाएं, मगर बहुत ही ज्यादा आसान है ये, बहुत ही। इसमें सबसे पहले हमें ये जो निशान दिया हुआ है इसका मैं समझा देता हूँ। जिस भाला देखा है, भाला, भाले के आगे से नोक होती है, नोक, और वो नोक किसी पावरफुल व्यक्ति के हाथ में चला जाए, वो दूसरे को सोचता है कि मैं इसको लगा दूं, कमजोर व्यक्ति को ही लगा पाएगा वो, तो जो नोक है वो कमजोर व्यक्ति की तरफ होती है, ठीक है, यानी जो कमजोर क्या हुआ, जो छोटा है हमारा, वो उसकी तरफ नोक होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बड़ी डिजिट पावरफुल है, छोटी डिजिट वीक है, कमजोर है, तो उसकी तरफ छोटी डिजिट के ऊपर हमें नोक करनी है। तो हमारा फर्स्ट है सम्स, देखते हैं ये वाला 226 और नेक्स्ट वैल्यू हमारी 124। तो इन दोनों में से हम फर्स्ट डिजिट ही देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट है हमारी, एक में है 2 और एक में है 1, तो हमारा जो 1 वाली डिजिट है वो स्मॉल है और 2 वाली डिजिट पावरफुल है, तो स्मॉल वाले की तरफ हम नो करेंगे। आंसर में दिया हुआ है, जिस तरफ से आंसर में ये चिन्ह लगाया गया है उसी तरफ से ये साइन उसी तरफ लगाएंगे। सेकंड देखिए,
341, 458। इसमें फर्स्ट वैल्यू देखेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक में थ्री है एक में फोर है, तो इसमें नो किसकी तरफ होगी, थ्री की तरफ होगी। गुड, तो हम जो ये इसकी नुकीला हिस्सा बनाएंगे वो थ्री की तरफ बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए 756 और 724। इसकी हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट डिजिट दोनों इक्वल हैं, इससे हम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा बड़ा है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा बिग है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, यानी हंड्रेड प्लेस की देखेंगे, क्योंकि ये तो समान हमें ये तो बता ही नहीं रहे, ये तो कह रहे हम दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट डिजिट में देखते हैं हम, फाइव है एक में टू है, तो बड़ा कौन सा हुआ, फाइव हुआ ना, तो फाइव की तरफ हम इसका ओपन जो फेस है वो रखेंगे और नोक छोटे वाले की तरफ रखेंगे, है ना, जैसे समझाया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। जो इसमें ग्रुप दे रखे हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, उसको हमें सर्कल करना है, इस ग्रुप में से सर्कल करना है। स्मॉलेस्ट का मतलब मीन तो आप सबको मालूम है ना, सर्कल यानी गोला लगाना है जो इसमें सबसे छोटा है। अब देखिए ए नंबर पे 543, ये पूरा ग्रुप है ए का, 468, 312, 420, 578। इस ग्रुप में से हमें ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वही हमें करना है कि फर्स्ट डिजिट देखनी है हमें, पहले पूरा नहीं देखना, बिल्कुल इस में मत जाना कि हमें पूरी डिजिट देखें, पहले हमें लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखनी है सबकी, 5, 4, 3, 4, 5, ये हमारी फर्स्ट डिजिट है इन सभी इस ग्रुप में, है ना, तो 5, 4, 3, 4, 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, थ्री वाली है, तो ये हमारा आंसर हो गया 312, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 725, 837, 782, 965, 576, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। इसमें भी हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि हमारी लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट कौन सी है, तो हरेक का हम मिलाते चले जाते हैं, सबसे में पहले है 7, 8, 7, 9, 5, इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या हो गई, 5 हो गई, तो 576 हमारा आंसर हो गया, इसको सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। ऐसे इसमें ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा हो, ग्रेट बड़ा, बड़े नंबर पे हमें सर्कल करना है, जो भी ग्रुप में दे रखा है इसमें भी हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट देखनी है सम्स की हमें, और कुछ नहीं देखना है, पूरी डिजिट हमें पढ़नी ही नहीं। ये फर्स्ट ग्रुप में हमारा 127, 561, 323, 431, 384, ये हमारा ग्रुप है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वही फर्स्ट डिजिट देखनी है लेफ्ट साइड की, 15343, ये हमारी इसकी फर्स्ट डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट सबसे पहले 1 है, 5 है, 3 है, 4 है, 3 है, तो ग्रेट देखना है इसमें, तो ग्रेट हमारा इसमें क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये वाला हमारा आंसर है 561, तो हम इसमें 561 को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्या करना हमें 561 को सर्कल करना है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो इस ग्रुप का हो गया फर्स्ट। अब सेकंड ग्रुप में, यानी बी ग्रुप है हमारा, उसमें देखना है 558, 372, 824, 613, 163, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। इसमें भी हम देखते हैं जो हमारा ग्रुप में
लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट मिलाएंगे हर एक डिजिट में से, 5, 3, 8, 6 और 1। तो इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है हमारे? 5 से भी बड़ा है। देखो फर्स्ट वाली डिजिट में हमारा 5 है, तो इससे बड़ा देखो है 3, तो छोटा होता है, 8, 8 बड़ा होता है 5 से। अगला देखो 6, 6 हमारा स्मॉलेस्ट होता है, 1, 1 भी स्मॉलेस्ट है, यानी 8 वाली डिजिट हमारी बिग है, ग्रेट है, बड़ी है। तो हम जो सर्कल करेंगे इस पे 824 वाले पे, 824 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। राइट साइड में देखो डी इसी के इसी लाइन के सामने लिखा हुआ हमारा 824, ये हमारा आंसर हो गया। सभी बच्चों का ग्रैंड अमर पब्लिक स्कूल माजरडा बस दिल्ली 81 की इस वीडियो में स्वागत है। दिस इज योर थर्ड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1।
हमारी ये नेक्स्ट सम्स है एट्थ, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 19। हमें सक्सेसर बताना है, सक्सेसर मींस 990 से अबोव नंबर बताना है। तो अबोव बताने के लिए क्या होगा, इसमें वन ऐड कर देंगे, 990 में वन ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया 991। तो ये इसका सक्सेसर हो गया। अब कोई भी वैल्यू हुई उसमें अगर उसका सक्सेसर बताना होगा तो उसमें वन ऐड कर देंगे हम, है ना। नेक्स्ट सम्स है 9, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। प्रेडिसेसर बताना है हमें 3-डिजिट का, स्मॉलेस्ट जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 के आगे 20 लगा देंगे ये, तो 3-डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। जैसे 1 है, 1 के बाद 20 लगा देंगे तो क्या बनेगा वो हमारा 100। 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर है। तो इसमें प्रेडिसेसर बताने के लिए 100 हमारा हो गया, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 99 आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया 99, क्योंकि हमें 1 माइनस करना है, सक्सेसर में 1 ऐड करना है, प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 in 527। हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ध्यान से देखना, इसमें डिफरेंस बताना है, किसके बीच में डिफरेंस बताना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था जो प्लेस वैल्यू कौन सी होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, तो किसकी प्लेस वैल्यू और किसकी फेस वैल्यू देखनी है हमें, 5 की देखनी है, वैल्यू ऑफ 5 इन। तो 527 में 5 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो 5 देखो, 5 कितने पे है, 1, 10, 100 100 पे है। 5 के बाद कितनी डिजिट है, सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, 5 के बाद 2-डिजिट है। तो 5 के बाद 2-डिजिट लगा देंगे हम तो क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू बन जाएगा ये हमारा। तो इसके बाद 5 हमारा क्या है, फेस वैल्यू। 500 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 495, ये हमारा आंसर है।